इंडस्ट्री में आए और इनके इनके जो पापा हैं वो एक दुबई में लेबर का काम करते हैं, कारपेंटर का काम करते हैं इनके पापा। उस फैमिली से उठ के इस बिजनेस में आए हुए ऐसे पर्सन, तो मैं चाहूंगा कि अपनी जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए इस बिजनेस के नायाब सितारे मार्क्यूस मंदीप जी का। आखिर वो आज दिन आई गया जिसकी हम जिसका मैं वेट कर रहा था, तो फाइनली आज मार्क्यूस के ऊपर प्रमोशन हुई है। मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले तो कुछ भी जो भी चीज होती है वो भगवान के बिना नहीं होती है। कहते हैं कि भगवान के बिना पता नहीं होता है, सुना आपने? तो मैं सबसे पहले चाहता हूँ कि उस भगवान के लिए एक बार हम तालियां बजा दें उसके बिना। आज और जो उसने आज योग बनाया 12 अप्रैल को उसने हमें यहाँ पे इकट्ठे किया है, ठीक है, वो उसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं है। आज जो भी हूँ मैं भगवान की मर्जी से हूँ। आज हम मार्क्यूस जो अचीवमेंट को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आपको लग रहा होगा कि मैं शायद आज ही मार्क्यूस बना हूँ, तो मैं मार्क्यूस तो उसी दिन बन गया था जिस दिन मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था। प्रोसेस बाकी था कि हाँ आपको इतना जो बिजनेस है वो जो कंडीशन होती है वहां पे पहुंचना पड़ेगा मार्क्यूस बनने के लिए। मेरे हिसाब से मार्क्यूस बनने के लिए दिल में आग होनी चाहिए, मार्क्यूस बनने के लिए वो जुनून होना चाहिए। अगर आपके दिल में आग है, अगर आपके वो दिल में जुनून है, अगर सच में आप एक बड़ा आदमी बनना चाहते हैं, अगर सच में आपने एक बड़े विजन के साथ इस बिजनेस को ज्वाइन किया है, तो मार्क्यूस तो आप उसी दिन बन जाते हो जिस दिन आप इस बिजनेस में साइन अप कर लेते हो, तभी बन जाते हो। दो साल पहले मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, तो थोड़ा सा अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहूंगा। मेरी फैमिली में पांच मेंबर्स हैं, मेरे मम्मी पापा हैं, मैं उससे सबसे बड़ा मैं हूँ, और मेरे से छोटे मेरे ब्रदर हैं और मेरे से छोटी मेरी सिस्टर है। किसी रीजन की वजह से वो यहाँ पे नहीं है, कोई फैमिली फंक्शन है, तो मैं उनको बहुत मिस कर रहा हूँ। मेरे जो पापा हैं वो दुबई में इस टाइम कारपेंटर का काम करते हैं, और मम्मी जो है मेरे हाउसवाइफ है, और मैं सबसे बड़ा हूँ। और मेरा जो भाई है वो इस टाइम आर्ट्स में कॉलेज में स्टडी कर रहा है, और मेरी जो सिस्टर है वो प्लस वन में कॉमर्स में, उसने भी एग्जाम दिए। एक मध्यम वर्ग परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ, और उसी फैमिली में जहाँ से वो जहाँ पे पैसों को बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है, जहाँ पे वो ज्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं की जाती, सिर्फ और सिर्फ बच्चों को यही सिखाया जाता है कि तूने एक अच्छी सी स्टडी करनी है, और स्टडी करने के बाद तू 15,000-20,000 की अगर तेरी जॉब लग गई तो तेरी जो लाइफ है वो बड़ी है। मेरे पापा एक बार बोलते थे, मुझे याद है आज भी, क्योंकि पापा जो थे, पापा ने सिर्फ और सिर्फ किसी घर की कंडीशन के कारण, जो दादा थे उनके पास पैसा नहीं था, तो वो पापा जो थे वो मेरे ज्यादा पढ़ नहीं पाए, तो उन्होंने 8वीं की थी, तो 8वीं करने के बाद वो लेबर वगैरह का काम करने लगे थे। उनकी एज लगभग 12-13 साल थी उस टाइम,
तो मेरे पापा ने मेरे को क्या किया, मेरे पापा ने पढ़ाया। मिडिल क्लास फैमिली के हाथ में क्या होता है कि वो बच्चों को सिर्फ और सिर्फ पढ़ा देते हैं, और पढ़ाने के बाद वो सिर्फ और सिर्फ बच्चे को यही बोलते हैं कि हम तुम्हें पढ़ा देते हैं, और पढ़ाने के बाद तू अपनी लाइफ देख, तूने कहाँ पे तूने अपनी लाइफ सेट कैसे कर ली। तो मेरे पापा ने क्या किया, मेरे को पढ़ाया। मेरे पापा का सिर्फ एक ही ड्रीम था कि हाँ, अगर मेरा बच्चा पढ़ जाएगा तो वे एक कुर्सी के ऊपर बैठ के काम करने लायक बन जाएगा, तो इसकी लाइफ बढ़िया। तो वही सोच थी हमारी। और जो मेरे रिलेटिव है, रिलेटिव थे वो बहुत बढ़िया सेट थे, वो फॉरेन में थे। कभी कभी क्या होता था, कभी कभी हम इकट्ठे होते थे किसी मैरिज के ऊपर, तो सभी के सभी रिलेटिव वहां पे फॉरेन से आते थे, कोई सऊदी अरब से आ रहा है, कोई और किसी फॉरेन कंट्री से आ रहा है। तो वहां पे जब हम बैठते थे तो तब हमें पता फील होता था कि हाँ, हमारा जो लेवल है वो लेवल पे है। तो बीच बीच में बहुत सारे लोग ताने देते थे, ताने दे के बोलते थे कि मुझे वो बहुत फील होता था। मेरे पापा जो थे वो बहुत कभी कभी सैड भी हो जाते थे इन चीजों के कारण। तो मैं हमेशा देखता था कि मैंने क्या किया, मैंने कुछ बड़ा करना है। तो ये विजन था मेरा, बट कुछ प्लेटफॉर्म नहीं मिला। मैंने बीटेक में एडमिशन ले लिया। मेरे पापा ने बोला तुम इंजीनियर बन जा। हमारे ट्राइब में क्या होता, हमारे फैमिली में क्या होता है कि इंजीनियर कैसे बनना है, इंजीनियर क्यों बनना है, जो तेरा बुआ का लड़का है उसने भी इंजीनियरिंग की, तू भी कर ले। तो मैंने क्या किया, इसी कारण मैंने क्या किया, मैंने बीटेक में एडमिशन ले लिया। सिविल इंजीनियरिंग में स्ट्रीम था मेरा उस टाइम, और मैं इस स्टडी को इतना ज्यादा सीरियस नहीं ले रहा था, क्योंकि जो हमारे जो देश के अंदर मैं बात कर रहा था कि उस दिन भी की जो प्रैक्टिकल जो बातें नहीं थी बताई जाती, तो हम वैसे भी बहुत एंजॉय कर रहे थे। और कॉलेज लाइफ में क्या होता है कि हर आदमी एंजॉयमेंट करता है, तो मैंने क्या किया, एंजॉयमेंट किया। 6 semesters पूरे, 7th semester मेरा ट्रेनिंग का चल रहा था, तो 7th semester में ट्रेनिंग में मैं फ्री था। तो मुझे एक पर्सन ने मुझे यहाँ पे इन्वाइट किया, उसने मुझे चांस दिया, और मैं पर्सनली उस पर्सन का सबसे पहले दिल से थैंक्स बोलना चाहता हूँ जिसने मुझे इस बिजनेस में ज्वाइन किया, चांस दिया। तो मैं चाहता हूँ एक बार सबसे पहले आप उस पर्सन के लिए क्लैपिंग कर लें। मैं उस पर्सन के बारे में लास्ट में आपको जरूर बताऊंगा। मैंने ट्रेनिंग लगाई हुई है, मोहाली में मेरा ट्रेनिंग चल रहा था, और ट्रेनिंग के बारे में बहुत सारी जो बातें आपको मार्केट गुरमी से मैं बता गई है, सेम मेरी भी वही फीलिंग थी। और मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के टाइम जो बेसिकली जो नॉर्मल प्रॉब्लम्स होती हैं, जो फैमिली नहीं मान रही, वो मेरे साथ भी प्रॉब्लम्स हुई, बट मैंने क्या किया, मैंने फिर भी थोड़ा सा फैमिली के खिलाफ जाके मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था। और ज्वाइन करने के बाद मैंने मेहनत की, मेहनत करते गए सारी होता गया कि बिजनेस जो चलना होता है बिजनेस को थोड़ा सा टाइम लगता है, ये टाइम लेता है। जैसे एक चाइनीज बम्बू ट्री होता है, वो क्या करता है, वो पहले 5 साल में वो बिल्कुल भी बाहर नहीं आता है, उसको पूरी खाद दी जाती है, सब कुछ डाला जाता है, सब कुछ जो प्रोसेस होता है उसको कंप्लीट किया जाता है, बट फिर भी बाहर नहीं आता है। तो सोच जो 6 ईयर होते हैं वो क्या करते हैं, वो 90 फीट हो जाते हैं। सेम ऐसे ही बिजनेस है, हम मेहनत कर रहे थे, रिजल्ट नहीं मिल रहे थे। तो हमारे जो सीनियर थे उन्होंने हमें बताया कि तो मेहनत करता रहे, सिस्टम का पार्ट है, हमने मेहनत की। और स्टार्टिंग के टाइम में हमें लोग बहुत कुछ बोलते थे कि तेरे से नहीं होने वाला, ये तेरे बस की बात नहीं है। लोग आपको भी बोलते होंगे, लोग बोलेंगे तेरे बस की बात नहीं है, लोग बोलेंगे तू बड़ी बड़ी बातें मत कर, लोग बोलेंगे तू हवा में मत उड़, लोग ये बोलेंगे। मैंने फील किया बाहर के टाइम में लोग बोलते हैं तेरे बस की बात नहीं है, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक अपलाइन होता है जो ये बोलता है तू लगा रहा है, ये तेरे बस की बात है। थैंक यू सो मच। मैंने बातें मानी, दोस्त अपलाइन की, जो हमें बोलते थे वो हमने हर एक बात मानी। यहाँ पे बिजनेस में दो तरह के लोग होते हैं, जो एक तो जो बातें बताई जाती हैं उनको उसको फॉलो करते हैं, और जो अपनी बात पे ज्यादा काम करते हैं। एक बार एक मुला नसरुद्दीन थे, तो हुआ क्या, वो शराब पी रहे थे, उसके पास एक आदमी आया, और उस आदमी उसको मुला नसरुद्दीन को बोलता है कि तू शराब पी रहा है, तू मुसलमान है और तू शराब पी रहा है, तू ये बहुत खराब काम कर रहा है। तो मुला नसरुद्दीन ने उसको जवाब दिया कि कुरान शरीफ में लिखा है शराब पीना। कहता है कि कुरान शरीफ में लिखा है, कहता है कुरान शरीफ में लिखा है कि तू जितनी शराब पीना चाहता है उतनी शराब पी ले। तो उस आदमी ने उसको जवाब दिया कि तूने आधी लाइन पढ़ी है, उसके आगे भी कुछ लिखा है। कहता है उसके आगे क्या लिखा है, कहता है उसके आगे ये लिखा है तू जितनी मर्जी शराब पी ले, बट पीने के बाद मरने के बाद तुझे वो आग में जलाया जाएगा। और मुला नसरुद्दीन का जवाब क्या था, सारी बातें मैं ही अमल करूं कुरान शरीफ की, तू भी कुछ कर ले। मतलब कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो बोलते हैं कि हाँ
जो बातें बताई जाती हैं उनको उसको फॉलो नहीं करते हैं और अपनी बात पे ज्यादा ध्यान देते हैं, सिस्टम से काम नहीं करते हैं। हमने क्या किया, सिस्टम से काम किया, मैं लगा रहा, मैंने मेहनत की, मैंने हमेशा अपने स्टीनर की बात मानी जो भी मैं आज, और लोग हमें बोलते थे स्टार्टिंग के टाइम में, मुझे आज भी याद है, मेरा फ्रेंड बोलता था कि तू पहले तू बन जा फिर देखते हैं। हम बहुत सारे लोगों को इस बिजनेस में जब मैंने शेयर किया था इस बिजनेस के बारे में फ्रेंड्स के साथ, मुझे फ्रेंड्स ये बोलते थे पहले तू बन जा फिर देखेंगे। मैं दूसरे के पास गया वो बोलते हैं पहले तू बन जा फिर देखते हैं, तीसरे के पास गया वो बोलते हैं पहले तू बन जा फिर देखते हैं, चौथे के पास गया वो बोलते हैं पहले तू बन जा फिर देखते हैं, पांचवें के पास गया वो बोलते हैं पहले तू बन जा फिर देखते हैं। और देखो भगवान ने सबकी सुन ली, भगवान ने मुझे बनाई दिया। और थैंक यू सो मच मैंने जो भी मैं आज हूँ यहाँ पे, मैं खुद की वजह से नहीं हूँ, इसका जो क्रेडिट है मैं खुद नहीं लेना चाहूंगा। जो मेरे यहाँ पे मेंटर्स बैठे हैं, मैं स्पेशली उन लोगों को, मैंने ड्यूक संदीप सिंह से सीखा है कि कैसे एक लो लेवल से वो पहुंच के, जीरो लेवल से पहुंच के वो हाई लेवल तक कैसे पहुंचा जाता है। स्टार्टिंग के टाइम में हमें जो हमारे टाइम में मार्केट फ्लो सीनियर रूम में रहते थे, तो ड्यूक संदीप सिंह के बारे में बहुत सारी बातें बताते थे हमें, तो मैंने उस बातों को फॉलो किया है। ड्यूक जसमेर सिंह से मैंने सीखा है कि कैसे जब कैसे पॉजिटिव रहा जाता है एक मुश्किल टाइम में। मैंने मार्कस अमरीश सिंह से सीखा है कि कैसे किसी से मुझे बात कैसे करनी है, मैंने उनसे सीखा है वो कन्वेंसिंग स्किल्स, मैं उस चीज का उनका फैन हूँ। मार्कस विनोद सिंह से मैंने सीखा है कि एक फैमिली मेंबर की तरह काम कैसे किया जाता है। एक मार्कस विनोद सिंह की एक अच्छी बात है कि वो जब फैमिली के बारे में जैसे फैमिली बन के समझाते हैं, भाई की तरह समझाते हैं, जब भाई का टाइम होता है। तो मैंने जो भी मैं क्रेडिट है वो मैं मेरा खुद का नहीं, जितने भी यहाँ पे मेंटर्स बैठे हैं मैं उन सभी को थैंक्स बोलना चाहूंगा, मैं इनके बिना कुछ भी नहीं हूँ। एक बार मैं चाहता हूँ कि सभी मेंटर्स के लिए एक बार जबरदस्त ताली होनी चाहिए। और एक पर्सन जिसके बिना मैं अधूरा हूँ, मतलब मैं उसके बिना कुछ भी नहीं, उस पर्सन ने मुझे चलना सिखाया इस बिजनेस में।